और फिर बड़ी खबर, अशरफ गनी इक्तदार छोड़ने पर रजामंद, अली जलाली ने सरबरा होंगे। जी हां नाजरीन, अफगान तालिबान अफगानिस्तान के दारुलहकूमत काबिल के मुजाफात में दाखिल हो गए हैं, जबकि अशरफ गनी इक्तदार छोड़ने पर रजामंद हो गए हैं। ऐसे में अफगान मीडिया का कहना है कि अली अहमद जलाली को नई अबूरी हुकूमत का सरबरा मुकर्रर किया जाएगा। तालिबान को इक्तदार की मुंतकली के लिए अफगान सदारती महल में मुजाकरात जारी हैं। अली अहमद जलाली अफगानिस्तान के साबिक वजीर दाखला भी हैं। वो जर्मनी में अफगान सफीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। दूसरी जानिब कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मौजूद तालिबान अहदेदार का कहना है कि तालिबान रहनुमा बला बरादर अफगानिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं। वाजिया रहे कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबिल के मुजाफात में दाखिल हो गए हैं। इस मौके पर कायम मुकाम अफगान वजीर दाखिला अब्दुस्सत्तार मीर जकवाल ने कहा है कि तालिबान से काबिल पर हमला न करने का मुआहदा तय पा गया है। तो नाजरीन, इस खबर को लेकर अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर करिएगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे।